अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ओके गाइस, सो बहुत ही सिंपल सा निकाह होने वाला है, घर में ही होगा, तो इसलिए मैं बहुत ही सिंपल सा रेडी भी होंगी। तो बस थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी एंड मैं क्या पहनने वाली हूँ वो आपको मैं दिखाऊँगी, और उसके बाद मुझे निकलना भी है जल्दी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। फाइनली वो शादी कर रही है, तो चलिए मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। वैसे मुझे अपना जो मेकअप कलेक्शन है अपग्रेड करने का ज़रूरत है, तो मैंने सोचा है कि मैं अब जो भी यूज़ करती हूँ मैं दूसरा अब यूज़ करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ उसका हॉल मैंने पहले किया हुआ है, तो मेरे पास उतना ज़्यादा मेकअप का प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही मिनिमल है, मतलब बहुत थोड़ा सा ही है। मैं उतना ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ, मेकअप करने की वजह से कभी कभी मैं वीडियो शूट करने में लेज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप करना पता नहीं क्यों उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो बस चलिए स्टार्ट करती हूँ एंड मैंने फ्लावर्स ले लिए हैं और उसके वलीमा में भी जाना है, तो चलिए मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। मैं अभी लगा रही हूँ लैक्मी का लूमी क्रीम। उससे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था सेटाफिल का, तो मैं जब भी मेकअप करती हूँ उससे पहले मॉइस्चराइज़र मुझे अप्लाई करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसलिए मॉइस्चराइज़र के बिना मैं मेकअप स्टार्ट नहीं करती हूँ अपना। उसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ कंसीलर, तो ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, मैं यही कंसीलर यूज़ करती हूँ। मेरे पास मेकअप बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं एक ही कंसीलर यूज़ करती हूँ और काफ़ी सालों से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा होता है। तो बस इसको मैंने अप्लाई कर दिया और आज मैं सारे जो मेरा मेकअप है वो मैं अपने फिंगर से ही करूँगी, मुझे फिंगर के साथ मेकअप करना ज़्यादा कम्फर्ट लगता है। ब्रश यूज़ करना मुझे पता नहीं क्यों इरीटेटिंग लगता है, तो मैं ज़्यादातर अपना मेकअप अपने फिंगर से ही करती हूँ, अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो फिंगर भी बहुत काम का है। ओके, सो कंसीलर मैंने अप्लाई कर लिया था, उसके बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है। वैसे तो मैं फाउंडेशन बहुत कम अप्लाई करती हूँ, ज़्यादातर मैं कंसीलर ही लगाती हूँ बस। तो कंसीलर मैंने लगा लिया है और फाउंडेशन भी मैंने अप्लाई कर लिया था। उसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ लैक्मी का फिट मी लूज पाउडर, तो इसे सेटिंग कर लेंगे हम अपना जो कंसीलर एंड फाउंडेशन लगाया था उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये वाला इनसाइड का, आई थिंक ये ब्लश है पीच ब्लश, तो ये मैं लगा रही हूँ। मुझे आज पीची लुक चाहिए, क्योंकि मेरा जो आउटफिट है कुछ इस कलर का ही है, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा बहुत ऐसा ही दिखे मेरा लुक। वैसे तो मैं जो भी कपड़ा पहनती हूँ मेरा जो स्किन कलर है उसमें पूरा मैच कर जाता है, मतलब वैसा ही कलर में ढल जाता है। और आज का मेकअप भी मैं कुछ वैसा ही करना चाह रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि निकाह भी बहुत सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल सा मेकअप मेरा हो रहा है। और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल, उससे मैंने ब्रश से अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से मैंने बहुत ही प्यारा सा न्यूड पिंक कलर जो होता है वो मैं ले रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा हल्का शिमरी इफ़ेक्ट भी होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल, ये काजल भी लैक्मी का ही है। तो मैं क्या करती हूँ कि काजल आधे में लगाती हूँ और अपना जो कॉर्नर है आई का वहाँ पर थोड़ा सा वाइट वाला काजल लगा लेती हूँ थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ पर मैं कॉन्टोर भी अपने फिंगर से ही कर रही हूँ, तो मैं जल्दी वाला मेकअप ऐसे ही करती हूँ। तो फिंगर से मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे कॉन्टोर करना था वहाँ पे अप्लाई कर लिया है, और कुछ ऐसा दिख रहा है अभी तक तो मेकअप, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपनी कॉर्नर आई कॉर्नर पे ये वाइट वाला काजल या फिर कभी कभी मैं वाइट हाइलाइटर जो होता है वो लगा लेती हूँ। अभी उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं लगाया था इसलिए पता नहीं चल रहा है। उसके बाद मैं ये लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये भी स्विस ब्यूटी का ही है। तो लिप लाइनर से मैंने लिप लाइन कर लिया है एंड थोड़ा बहुत मैंने लिप पे भी अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैं ये वाला लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि थोड़ा कोरल शेड जो आता है वो है, एंड इस लिपस्टिक का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। तो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप हो चुका है और अभी मैं सोच रही हूँ मैं आईलाइनर अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, बट फाइनली मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। मैं बड़ा मिरर में जाकर देखकर अप्लाई करके आई हूँ, ये छोटा मिरर में मुझसे नहीं होता। तो मेरा मेकअप हो चुका है और ये रहा लुक। ओके, सो
ये मैं पहनने वाली हूँ, ये दुपट्टा है, यहाँ पे लेस लगा हुआ है फ्लावर वाला, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे, कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो मैं ये पिंक कलर का आउटफिट पहनने वाली हूँ, इसके साथ प्लाजो है तो मैं प्लाजो पहनने वाली हूँ, इसको मैंने खुद ही स्टिच किया है, सूट पीस था ये तो इसको मैंने खुद ही बनाया है। तो चलिए चेंज करते हैं। ओके, सो इसके साथ मैं ये इयररिंग पहनने वाली हूँ जो कि मैंने सरोजिनी नगर से लिया था, तो ये मैं पहनूंगी। सो चूड़ी मैं ये वाला वाइट वाला पहनने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास आई थिंक इस कलर का कोई भी चूड़ी अभी है नहीं, तो मैंने सोचा ये अच्छे से जाएगा इस पर। तो चलिए मैं पहनती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को फुल लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, उसके बाद फिर जल्दी से निकलेंगे। ओके गाइस, सो रेडी हो चुकी हूँ मैं, अब निकलते हैं। ये फ्लावर्स मैंने ले लिए हैं, जुड़ा है मेरा बैग ले लिया है, क्लच मैं नहीं ले रही हूँ, इसमें कंफर्ट होगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूर ट्रैवल करना है, तो फ्लावर्स मैंने सुबह ही ले लिया था। तो चलिए चलते हैं। मिनशा नाभ्या नहीं जा रही है तो उसको मैं ऊपर छोड़ रही हूँ, ऊपर में वो लोग रहेगी, मतलब मेरे नेबर के पास। मेरे हस्बैंड आ जाएंगे आई थिंक आधा घंटा में, वो आ जाएंगे तो ये लोग नीचे वापस आ जाएगी। तो चलिए मिनशा नाभ्या को मैं ऊपर देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। ऐसे लेकर नहीं जाने वाली हूँ मैं, इसको कैरी बैग में मैं कैरी करूँगी। लेट्स गो, चलिए आ जाओ। हेयर स्टाइल दिखाना था इसलिए कब से बोल रही है कि आना है आना है। ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है, चले आप। हाँ चलिए चलिए चलो, अच्छे से दिखाया ना, पीछे घूमो। हाँ दिख रहा है, चलो चलिए चलिए।